Welcome back to Mehkti Morning. Thank you, जी, thank you. खुश कर दिया है तालियों ने आपकी. हमें join किया यहाँ पे the beautiful Dr. Shumaila. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक. कैसा था आपका trip? जबरदस्त बेहतरीन है ना. कितना मजा आता है ना, रिफ्रेश होके आ जाता है वापस काम में. ये काम में थोड़ी सी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. आप मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं फॉर द बेटर वर्क. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना. सुन रहे हैं ना आप लोग सारे, काम में ब्रेक लेना बहुत. वैसे अभी ईद की छुट्टियों से मैं वापस आ रही हूँ. मैं तो अपील कर भी नहीं सकती ना, इतना गोश्त खा के खुशी खुशी हम अगर वापस आए. कुछ नहीं. अच्छा डॉक्टर शुमैला, अब हम बात करते हैं जी. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कॉज की बात करते हैं. सबसे कॉमन कॉज मुझे पता है. अच्छा, शेवर मुर्गी. इट्स नॉट ओनली अबाउट शेवर मुर्गियाँ, बहुत सारी चीजें. सबसे पहले तो हेरिडिटी. अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में ही आपका ट्रेंड है हेरी होने का, तो इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, तो वो होगा डेफिनेटली. वी कैन नॉट चेंज आवर जेनेटिक्स. एक चीज. दूसरी चीज़ है, बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसन्स ऐसे उनके रिएक्शंस होते हैं, या तो आपने चाइल्डहुड में ली हुई होती है, या किसी बीमारी की वजह से, या कुछ लोगों को कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि बाल आने शुरू हो जाते हैं. इसी तरह कुछ लोग खुद से जानबूझ के कुछ ऐसी क्रीम्स लगाना पसंद करते हैं जो कि जिनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिखा होता है कि बहुत जल्दी आप गोरे हो जाएं. तो अच्छा, उससे बाल, उसमें ऑब्वियसली उसमें स्टीरॉइड्स और मर्करी और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि जिनके साइड इफेक्ट में फेस पे बाल आते हैं. तीसरी चीज़ अगेन जो पैथोजेनिक है जिसमें पैथोलॉजी रिलेटेड है, वो यही है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो कि एडोलसेंस पे जो हमारे हार्मोन्स आ रहे होते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है. उसमें आपके बहुत सारे हार्मोन्स हम चेक कराते हैं जिसमें थायराइड से लेके आपके इंसुलिन, सीरम इंसुलिन लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन, खास तौर पे जो मेल हार्मोन है, चाहे वो फीमेल्स में हो. और जिस तरह आपने मेल्स के लिए बात की, खैर मेल्स में तो ये हार्मोन होता है, लेकिन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में जल्दी एज में आ जाना भी उसमें बाल जल्दी आते हैं. अच्छा. तो फीमेल्स में उसका होना इट्स अ साइन, और डिस्टर्बेंस ऑफ साइकिल, वो सब इंडिकेट एक पैकेज आता है हमारे पास. और थोड़ा सा बल्की बॉडी फीमेल्स की ऑयली स्किन के साथ, वो एक इंडिकेशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए. अच्छा, जिसमें हम ये सारे टेस्ट कराते हैं. वो 80% कॉज ऑफ हिर्सूटिज्म जो है उसमें ये लाया करता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज बच्चियों को हो रही है. उसमें वन ऑफ द रीजंस इज के चूंकि हम प्रोसेस्ड हमारा लाइफस्टाइल, वन ऑफ द कॉज, नॉट ओनली द शेवर मुर्गियां, ऑल द जंक वी आर हैविंग, ऑल जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिसमें फिर ये भी बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री, इवन अब तो डेयरी भी सारी केमिकली ट्रीटेड होती है. इसके अलावा हमारे कैटल्स को भी ऑक्सीटोसिन और उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं कि वो ब्रीड जल्दी जल्दी करें या उनका मिल्क इंक्रीज करें. मैंने भी रिसेंटली सुना, हालांकि मेरे जो है फेवरेट फूड है ये विंग्स जो होते हैं चिकन के, और कहते हैं वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए बिकॉज विंग्स में ही इंजेक्शन लगाया जाता है. बट ओवरऑल द वर्ल्ड इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि उस, चूंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी और हमें अपनी फूड जो है उसकी जो नीड है उसको मीट करना है, तो उसमें ये सारा कुछ सारी दुनिया में करते हैं. लेकिन कुछ एक रूल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली हम लोग जो लास्ट रूल्स हैं हम तो फॉलो ही नहीं कर रहे होते उनको. उसमें ये होता है कि कुछ सर्टन टाइम पीरियड होता है कि वेन द चिकन टुक द लास्ट इंजेक्शन, जब उसने आखिरी इंजेक्शन लिया है, उसके इतने टाइम के बाद उसको स्लॉटर आप कर सकते हैं कि उसकी बॉडी से वेयर ऑफ हो जाए चीज़. इसलिए कि हर चीज़ एक्सक्रीट हो जाती है मोस्टली बॉडी से, एब्जॉर्प्शन बहुत डिलेड होती है. तो उसमें वो हम लोग ये नहीं देखते. अच्छा, हमने और हम रात को लगा सुबह स्लॉटर कर दिया उसको और उसके बाद उसको ले लिया, हमने खा लिया. लेकिन भारत इट्स लाइफस्टाइल. रातों को जागना मतलब अपने साथ अनहेल्दी एक मतलब एक जो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें एक लाइफ पैटर्न बताया है उस पे नहीं करना चीज़ें. तो ये सारा एक लाइफस्टाइल चेंज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैविंग लॉट ऑफ फूड, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड हैविंग जंक फूड, तो ये सारा कुछ जो है जो कैलोरी कंजम्पशन मेरे बारे में बात हो रही है ना, इसमें जो है ये सारी फैक्टर्स जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस जरूर करते हैं, जिसमें अल्टीमेटली जो है आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, द एरियाज विच आर नॉट नीडेड फॉर द हेयर ग्रोथ, उसमें आपके आते हैं. बात पूछूंगी कि जिस तरह आपने बताया कि क्रीम्स लगाने से भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नया फॉलिकल फॉर्म हो जाता है वहाँ पे और फॉलिकल ट्रिगर हो जाते हैं. ट्रिगर होता है. इस पे हम बात, सॉरी टाइम छोटी सी ब्रेक का, ये आपके अगर चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था और थोड़ी सी आप सांवली थी और उसके बाद आप गोरे होके ढेर भालू बन जाए, तो इस ये तो अच्छी बात नहीं है. और उसके ऊपर क्या है, ये फॉलिकल नया प्रोड्यूस हो जाता है, इसकी बात हो रही है क्या हो रही है, इस पे हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक में. इससे पहले तो
वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा के डराऊंगी. डर लग रहे नहीं नहीं अभी है ना ऐसे. पहले मैं आपको डराऊंगी, उसके बाद मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी. तो डॉक्टर शुमाइला पहले तो मुझे बताएं कि ये इनका चिन एरिया है और नेक और चिन इसमें इन्वॉल्व है और डेफिनेटली बहुत सारे मोटे बाल जिनको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं. अच्छा. टर्मिनल हेयर से मुराद वो वाला बाल होता है जो इस मर्दाना शबाहत के साथ, यानी कि बहुत मोटा बाल होता है. अच्छा. अब ये जो इस पे ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इन्होंने इसको वैक्स या एपिलेशन जिसको कहते हैं, यानी कि कोई भी पुलिंग मेथड ये यूज करती रही है, जिसमें थ्रेडिंग भी हो सकती है, ट्वीजर से एपिलेशन भी हो सकती है किसी एपिलेटर से, या फिर वैक्सिंग हो सकती है. तो अल्टीमेटली पेशेंट इस तरह, शुरू में आपने जैसे हमने बताया कि एडोलसेंस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो लोग टिपिकली करते क्या है नॉर्मली कि इनको निकालना शुरू करते हैं. पहले निकालना शुरू करते हैं, दो तीन होते हैं, चार होते हैं, या बाज दफा मैंने आपसे जैसे भी बात की कि ट्रिगर इफेक्ट के साथ भी बाल आ जाता है, यानी कि जो हल्का रुआ है वो निकलता चला गया उस मोटे बाल के साथ और फिर उसके इम्पैक्ट के साथ वो उसकी रूट जो है वो डार्कर होती चली गई. दिस हैपेंस, दिस इज अ विशियस साइकिल जिसमें आप जब निकालते हैं तो रूट उतनी ज्यादा डार्कर और उसी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ. ब्लीच के बारे में मैंने सुना है कि उससे बाल जो लंबा हो जाता है. नहीं, ब्लीच में देखें सेंसिबली अगर हम बात करें तो ब्लीच में सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन परऑक्साइड है. इफ इट कंटेन्स द टू थिंग्स, तो इनमें से कोई भी दोनों चीजें ऐसी नहीं है जो बालों को ग्रो करेंगे नए फॉलिकल को ट्रिगर करेंगे. जस्ट कैमोफ्लेज के लिए हम उसको यूज करते हैं, वो कैमोफ्लेज करती है. होता ये है कि जो लोग ब्लीच करना शुरू करते हैं डेफिनेटली उनको कोई ना कोई इशू अगर वो बालों के लिए कर रहे हैं तो इस तरह का उनका हो चुका होता है स्टार्ट, जिसके बाद वो एज के साथ साथ इंक्रीज करता है तो उनको ऐसा लगता है कि. और दूसरी बात है, ब्लीच भी बाज दफा इतना ज्यादा कर लिया जाता है कि उसका टोन जो है बालों का वो भी हमारे स्किन के साथ मैच नहीं करता, तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आने शुरू हो जाते हैं. इसमें इनग्रोन हेयर्स भी हैं. अच्छा. और इसमें जो है एपिलेट कर करके जग एरिया जो है हाइपर पिगमेंटेड भी हो गया, यानी कि उनके मुस्तकिल एक निशान और एक दाढ़ी नुमासी यहाँ पे सूरत हाल हो गई हुई है. इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन, जैसे हमने तीनों चीजों से कहा कि तीनों चीजों से अल्टीमेटली ये वाली सूरत हाल होती है, तो इतने मोटे बालों का बेहतरीन ऑप्शन लेजर इज द आंसर. लेजर हेयर रिडक्शन और इतने बालों ये ठीक हो जाएगा जो पिगमेंटेशन. ऑब्वियसली जब ये स्किन जो है बार बार टच नहीं होगी, बार बार इस पे फ्रिक्शन नहीं आएगी, इसको हम इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो ये बेसिकली पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, यानी कि किसी भी छेड़ने के बाद या किसी भी फ्रिक्शन के बाद वहां पे पिगमेंट आ गया है, मेलानिन आ गया है, जो कि कलर डार्क करता जा रहा है, यानी कि पोस्ट इन्फेक्शन ये सूरत हाल है और या इनग्रोन हेयर्स हैं. तो जब इसको हम इस तरह से छेड़ना बंद कर देंगे, और लेजर तो आपको पता है अपने टारगेट पे जाके काम करेगा, यानी कि हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेगा और उसके बाद उसने इर्द गिर्द की स्किन को कुछ भी नहीं कहना. इट्स सेफेस्ट एंड द सेफर, ठीक है. तो उसमें ये है कि स्किन का कलर भी रिवाइव हो जाएगा और उसकी जो सॉफ्टनेस है और उसमें जो एक टच आ गया है, थिकनेस आ गई है जो मर्दाना तरह की, उसको फ्रिक्शन दे देके वो भी सारी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है. और ये इनग्रोन्स की वजह से अक्सर वो दाने भी बन जाते दाने बन जाते हैं, ये ऑब्वियसली वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, यानी कि उसमें इन्फेक्शन आ जाता है. बहुत सारे प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं, और खासतौर पर ये जो मोटाई वाला बाल है ये जो इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द वेरी गुड कैंडिडेट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन. अच्छा. और इस कौन सी वाली लेजर भी तो कई किस्म लेजर जो है हमारी, देखिए ये तो आपने दिखाई हुई है, नहीं इस पे क्यू स्विच नहीं हो सकता बिकॉज ये टर्मिनल बाल है. इस पे या तो यैग लेजर होगा, एनडी यैग लॉन्ग पल्स होगा, या इस पे हम अगर ये फेयर स्किन के साथ हैं हम एलेक्जेंड्राइट कर सकते हैं. अच्छा. या फिर हम इस पे कार्बन लेजर कर सकते हैं. अच्छा. ठीक है. डायोड लेजर उसको कहते हैं हम और उससे हमेशा के लिए बाल उस हमेशा के लिए बाल कम अज कम इस वाले जो थिकनेस है उस पे हम वी कैन गेट 80-89% हेयर रिडक्शन. उसके बाद ये हालत एटलीस्ट नहीं होगी. उसके बाद जो भी बाल अगर बच जाता है 20% या 15% बाल अगर बच जाता है, दैट वुड बी सो फाइन कि वो फिर आप कैमोफ्लेज भी आसानी से कर सकते हैं. बिल्कुल. और उसके लिए फिर हम फाइन हेयर मैनेजमेंट के लेजर्स पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि ब्लीच करके भी हम उसको जो है बहुत ज्यादा, वैसे तो ये कॉकेशियन स्किन ही है, हो सकता है इनका अपना ओरिजिनल कलर ही बालों का ब्लॉन्ड हो. हाँ. ऐसा हो, लेकिन हमारे यहाँ ब्लीच करके भी ऐसी सूरत हाल हम पैदा कर देते हैं जो कि फिर आपको सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो इस किस्म के बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते. और ये भी हिरसूट का ही केस है, यानी कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है अपर लिप्स पे भी और साइड बर्न्स पे भी और चिन और नेक एरिया पे. ये खातून की अब आप मुझे बताएं कि अब इतने एरिया पे अगर हम एपिलेशन अगर हम करेंगे. हाँ. तो डेफिनेटली जो हमने बात की कि इन्फेक्शन के बाद फिर वो स्टेज होगी, इन्फेक्शन भी आएगा और जाहिर है ये बाल जो है मोटा भी होता चला जाएगा.
अच्छा मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि फेस पे वैक्स या थ्रेड कराने से किसी के बाल पतले हो गए जो कि एक मिथ हम सुनते हैं पतले हो गए या खत्म हो गए या खत्म हो गए ऐसा नहीं होता बिकॉज जितनी बार हम उसको खींचेंगे उसकी रूट उतनी बार जो है वो ट्रिगर होगी और उतनी बार उसमें पिगमेंट आएगा उसका कलर उतना डार्क होगा तो ऑब्वियसली डार्कर हेयर वुड बी मोर प्रोमिनेंट तो हमसे कहते हैं कि जब हमने शुरू किया थे ये सारे काम तो इतने तो बाल नहीं थे जितने अब हो गए तो उसमें हॉर्मोन्स तो साथ साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन जो आप छेड़ा छाड़ी उसके साथ कर चुके हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी उसका इंक्रीज उसका कलर उसका टेक्सचर और ऑब्वियसली फिर स्किन का भी साथ इसके साथ भी सुंदस यही है कि हमारी तरफ से तो यही एडवाइस होता है कि इस पे जो है इसके हिसाब से बालों की थिकनेस के हिसाब से लेजर यूज किया जाए लेजर भी यूज कर सकते हैं इंटेंस पल्स लाइट्स भी हम यूज कर सकते हैं जिनको IPL कहते हैं तो वो हम अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप देखते हुए हम लेजर सजेस्ट करते हैं और हमारे यहाँ चूंकि एशियन स्किन है हम येलो स्किन वाले लोग हैं तो हमें ज्यादातर यैग्स हैं या डायोड लेजर्स हैं या लेक्सिमराइट्स हैं हमारे साथ एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है इसलिए कहूँगी कि मेरी सिस्टर को बिल्कुल इसी तरह के ना निकल आए हैं तो वो इतनी परेशान रहती हैं तो अब पता चल गया कि वो कभी वैक्स करा रही होती हैं कभी कुछ करा रही लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद निकल आते हैं तो वो इतनी परेशान रहती हैं तो अब मैंने उनको यही मशवरा देना है कि इन्होंने लेजर बताई है ना लेजर बिल्कुल बिल्कुल तो वो ही करवाएं ना क्योंकि वो थोड़े दिन बाद दोबारा से नजर आने लगता है और वो वैक्स का मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जितने खर्चा जो है खवातीन वैक्स के ऊपर करती हैं थ्रू अ लाइफ टाइम अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका कोई 1/10 पार्ट बनता है जो आपने लेजर ट्रीटमेंट करानी है वरना और स्किन कितनी तबाह करते हैं साथ साथ जी और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल वाईफाई वाईफाई मैं ये कहती हूँ कि वैसे तो आजकल वाईफाई का जमाना है क्या बात ये की ना सच्ची बात इन्होंने है ना अगर थोड़ी देर के लिए भी नेट ऑफ कर दिया जाए वाईफाई गायब हो जाए तो बच्चे ही शोर में जा देते हैं लेकिन वफा का जमाना भी खत्म नहीं हुआ है मैं उसको इस तरह से कहूंगी कि कुछ वक्त की रवानी ने हमें यूं बदल दिया मोहसिन वफा पर अब भी कायम है मगर मोहब्बत छोड़ दी हमने वाह वाह क्या बात है लेकिन पता है आजकल का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वाईफाई वफादारी नहीं करता हमारे साथ है ना कभी आता है कभी जाता है कभी और लोग लॉग इन कर जाते हैं उसके अंदर स्लो हो जाता है तो आई थिंक सो वाईफाई की वफादारी भी बड़ी जरूरी है मैं अपने ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगी जरा माइक है आपके पास आप बताएं जी वफा या वाईफाई वफा तो मिल गई है शादी हो गई वाईफाई जरा स्पीड तेज हो जाए तो मजा आ जाए है ना दोनों चीजें वफा मिल गई है अच्छा अगर ना मिली होती तो फिर अभी भी तलाश वफा की होती कि वाईफाई की होती नहीं ना मिली होती तो पहले वफा की हाँ। तो फिर वफा वाले ने वाईफाई लगवा ही देना था क्या बात है बड़ा इत्बार है आपको कोई और बताना चाहेगा मुझे आप बताइए ये आज सामने इनको पकड़ाई जी 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 पहले आप बता दें और जिसके पास माइक आ जाए बोल दिया करो जी वफा है तो सब कुछ है वफा नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं क्या बात है ये वफा पे दुनिया कायम है अच्छा वफा पे दुनिया कायम है वफा ही है तो सब कुछ है बाकी कुछ नहीं क्या बात है मुझे तो लगा था वाईफाई पे दुनिया कायम नहीं नहीं लेकिन आप भी बता दीजिए आने वाली दुनिया कायम है पहली दुनिया कायम नहीं है अच्छा आने वाली के लिए जरूरी है वाईफाई हाँ जी लेकिन पहली जो है वो वफा पे कायम है और वफा हमेशा रहेगी कभी हमेशा रहेगी ठीक है बिल्कुल सही कह रही जी आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो आजकल वाईफाई के पीछे ही ज्यादा भाग रही है लेकिन वफा ज्यादा जरूरी है वाईफाई में से वफा निकाल लेते ये नहीं ये एक और सच्ची बात ये शो पे सच्ची सच्ची वाईफाई ने वफा की तो वफा मिल जाए हम अपने गेस्ट से भी पूछते हैं ना आप बताइए मुझे वाईफाई या वफा वाईफाई देखा सीधी बात है भाई हम लोग बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं कोई हम लोगों ने इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है अच्छा ये जो है हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि हम अपना वापस स्टेज पे चले जाएं और फिर आपसे बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे हम वापस आते हैं अगर ये हम जल्दी से बता दें कि ये क्या है सुंदर सी जो डिस्प्ले में पड़ी है क्रीम्स ये बेसिकली एक सॉल्ट है अच्छा जो जिसपे स्टडी ये है कि अगर ये अप्लाई करें जो लोग ऑब्वियसली अभी तक लेजर नहीं समझ में आया या उस तक नहीं पहुंच सके या इवन लेजर के बाद भी हम रिकमेंड करते हैं इसको अप्लाई करने से जो हेयर ग्रोथ है वो जरा स्लोअर हो जाती है
स्लो हो जाती है, तो अगर आपने वैक्स भी कराया तो रिकरेंस कम होगी। उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दें और पूरा मंथ अप्लाई करें तो जो बाल आपके जल्दी निकल आते हैं वो कम भी निकलेंगे और जरा स्लो और उनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि अगर आप इस तरह के काम करने के बाद इसको अप्लाई करें तो आप अच्छे रिजल्ट्स इससे आप चले। ये भी आपको जो है हमने एक सोल्यूशन दे दिया है। टाइम हमारा जो है खत्म होता जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपने आप का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।